के साइंस के चैप्टर थ्री की रीडिंग। चैप्टर थ्री, हेल्दी ईटिंग। आई हेट वेजिटेबल्स। हा हा, नाउ आई डोंट हैव टू ईट दीज। यमी, एरी इज गेटिंग फैट एंड अनहेल्थी, डू यू नो वाई? चॉम्प चॉम्प, मंच मंच, स्लर्प, गॉबल गॉबल, क्रंच क्रंच। आई हेट इट व्हेन आई कैन नॉट सी माय फीट। अच्छा, ईटिंग का क्या मतलब है? सेहतमंद चीज़ें खाना। अब एरी क्या कर रहा है? वेजिटेबल्स तो सेहत के लिए अच्छी हैं, लेकिन ये नहीं खाता। कहता है कि आई हेट वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल्स यानी सब्जियों से नफरत है। और चम्मच इसका टेढ़ा हो गया तो कहता है अब ये तो मुझे खाना नहीं पड़ेगा क्योंकि चम्मच टेढ़ा हो गया। इसको बहाना मिल गया। अब ये जी पेस्ट्रियाँ खा रहा है, अनहेल्दी चीज़ है, फास्ट फूड खा रहा है, बर्गर खा रहा है, ठीक है, डोनट्स खा रहा है, ये सब अनहेल्दी चीज़ें हैं, आइसक्रीम खा रहा है, चिप्स खा रहा है, फ्राइड फूड खा रहा है, फ्राइड चिकन खा रहा है, ये भी अनहेल्दी है, और बहुत सारा गंद खा रहा है। फिर मोटा हो गया और अब इसको अपने पैर नज़र नहीं आ रहे। तो कहते हैं आई हेट इट व्हेन आई कैन नॉट सी माय फीट, ठीक है। और ये जो साउंड्स हैं ये सारे ईटिंग के साउंड्स हैं, ठीक है, चॉम्प मंच, स्लर्प, गॉबल, क्रंच, ये ईटिंग के साउंड्स हैं, ठीक है। हाँ जी, व्हाट विल आई लर्न, मैं क्या सीखूंगा इस चैप्टर में? आई विल नो दैट वी नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। मैं जान जाऊंगा कि हमें खाने की और पानी की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। अलाइव जिंदा रहना, स्टे अलाइव जिंदा रहने के। I will recognize that we need a balanced diet to grow healthily. To grow healthily, healthily. मैं जान जाऊंगा, पहचान जाऊंगा, मुझे समझ आ जाएगी कि हमें ज़रूरत है मुतवाजन खुराक की ताकि हम सेहतमंद तरीके से ग्रो कर सकें, बड़े हो सकें। ऐसे पेट निकले हुए ना हो, ठीक है ना, ज़्यादा मोटे ना हो, ज़्यादा कमज़ोर ना हो। I will be able to give examples of healthy food choices. मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मैं मिसालें दे सकूं हेल्दी फूड की, सेहतमंद खुराकों की, ठीक है। I will be able to identify healthy choices from a variety of food and drinks. मेरे पास सामने बहुत सारे खाने और पीने की चीज़ें पड़ी हों तो मैं उनमें से पहचान लूँगा कि हेल्दी चीज़ें कौन सी हैं, ठीक है। वैरायटी बहुत सारी। Why do we need food and water? हमें खाने की और पानी की क्यों ज़रूरत है? We need food and water to stay alive. हमें पानी और खाने की ज़रूरत है ताकि हम जिंदा रह सकें। Food gives us energy for work and play. खाने से हमें तवानाई मिलती है काम करने के लिए या खेल कूदने के लिए। Food helps us grow big and strong. खाना हमारी मदद करता है कि हम बड़े हो सकें, ठीक है जी, ग्रो कर सकें, बड़े हो जाएं और स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ताकतवर हो जाएं। अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। हमारे जिस्म का 70% हिस्सा तो पानी है, काफ़ी सारा हिस्सा हमारे जिस्म का पानी पर मुश्तमिल है। वाटर इज़ नीडेड फॉर आवर बॉडी पार्ट्स टू वर्क प्रॉपरली। पानी की ज़रूरत है ताकि हमारे जिस्म के हिस्से सही काम कर सकें, प्रॉपरली सही काम कर सकें। वी लूज़ वाटर व्हेन वी परस्पायर एंड पास यूरिन। पानी हमारे जिस्म से ज़ाया होता है, निकलता है जब हम पसीना आता है, परस्पायर पसीना आता है, और पास यूरिन और जब हम पेशाब करते हैं। यूरिन का मतलब पेशाब, परस्पायर पसीने का आना, वर्ब है ये। देयरफॉर, इसलिए वी नीड टू रिप्लेस द वाटर वी हैव लॉस्ट। जो पानी हमारे जिस्म से निकल जाता है उसको रिप्लेस करना है, ठीक है, जो लॉस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाते हैं परस्पायरेशन और यूरिनेशन के ज़रिए,
उसको रिप्लेस करना है, यानी उसकी जगह और पानी लेना है. ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स अस टू रिप्लेस द वाटर वी हैव लॉस्ट. इसलिए हम पानी पीते हैं ताकि जो पानी हमने लॉस्ट कर लिया है उसको रिप्लेस कर सके, उसकी जगह और पानी आ जाए. अमेजिंग फैक्ट्स. पीपल ईट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स. लोग अजीब गरीब चीज़ें खाते हैं. हाउ वुड यू लाइक टू ईट फ्राइड काफ्स ब्रेन. क्या तुम किसी काफ का, काफ किसे कहते हैं, गाय का या भैंस का बछड़ा जो है उसकी दिमाग को खाओगे फ्राई करके? ये तो हम बड़े शौक से खाते हैं जी, ये कोई बात है? फ्राइड ग्रास हॉपर्स. हाँ जी, ये हमारे बड़े हमें बताते हैं कि हम खाते थे टड्डी दल फ्राई करके. और फ्राइड बैम्बू लार्वी, ये नहीं कभी खाया, खाना चाहिए इसको भी. लार्वी जाहिर है इंसेक्ट का लाइफ साइकिल में एक स्टेज होता है, उसको लार्वा सिंगुलर है, लार्वी जो है वो प्लूरल है. तो उसको फ्राई करके कभी खाया? बैम्बू एक दरख्त का नाम है. इस दरख्त पे ये कोई लार्वा होंगे, कोई इंसेक्ट होगा उसका लार्वा होगा, उसको ये फ्राई करके खाते होंगे. जब कुछ नहीं मिलेगा तो जाहिर है फिर यही चीज़ें खाएंगे. हमारे बड़े बताते हैं कि उस वक्त कुछ ख़ास चीज़ें होती नहीं थी. तो टड्डी दल यानी ग्रास हॉपर्स का, जब ग्रास हॉपर्स वैसे नहीं होते, वो लोकस्ट होते हैं, ठीक है, ये ग्रास हॉपर्स हैं और फ्राई करके खा रहे हैं. ये तो ज़रूर खाया हमने, फ्राइड काफ्स ब्रेन है जी, मगज़ कढ़ाई और फ्राई मगज़, ये तो खाया हुआ. वट टाइप्स ऑफ फूड्स आर देयर. तो कितनी किस्म की खुराकें हैं जो हम खा सकते हैं. वी कैन ग्रुप द फूड्स वी ईट इन टू फ्यू टाइप्स. जितने खाने हम खाते हैं उनको हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में, कुछ कुछ टाइप के ग्रुप्स हैं, यानी कुछ किस्म के ग्रुप्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं. दीज गिव अस एनर्जी एंड कीप अस गोइंग ऑल डे. इसमें क्या है जी, ब्रेड है, पोटैटो है, और ये ग्रेन्स हैं, व्हीट है, दालें हैं, दालें हैं क्या पता नहीं, गंदम है और चावल हैं, ठीक है, चिप्स है, बिस्किट्स हैं. बहरहाल इन सब में क्या है, ब्रेड, राइस, पोटैटोज और पास्ता. तो ये क्या देता है हमें, एनर्जी देता है. ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं. अच्छा, अगली क्लास में आप पढ़ोगे कि इन सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स. एंड तो ये क्या हमें देते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है. ये क्या है जी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियाँ. दीज हेल्प टू कीप अस फ्रॉम फॉलिंग सिक ईजीली. आराम से हमें बीमार नहीं होने देते ये फल, ठीक है, और सब्जियाँ. मीट, बीन्स एंड एग्स. अंडे हैं, गोश्त है और लोबिया वगैरह के दाने नज़र आ रहे हैं. दीज हेल्प अस ग्रो, दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर आवर बॉडी पार्ट्स. अच्छा ये बता दूँ, इसमें क्या होते हैं जी, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है. इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, और इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स. और प्रोटीन ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए, बड़े होने के लिए. दे ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर आवर बॉडी पार्ट्स. और कोई तोड़ पोड़ हो जाए जिस्म में तो उसको रिपेयर भी करते हैं प्रोटीन्स. रिपेयर के लिए भी प्रोटीन्स होते हैं, ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन्स होते हैं. ये क्या है जी, मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं. हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स इनको कहते हैं, भैंसों और गायों और इनसे जो चीज़ें हासिल होती हैं. दीज कीप आर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग. इनमें कैल्शियम होता है और कुछ विटामिन्स होते हैं जो हमारे दांतों के लिए और हड्डियों के लिए ज़रूरी, ठीक है. हाउ डू वी ईट हेल्दीली. कैसे सेहतमंद तरीके से हम खाएं. द फूड्स दैट वी ईट मेक अप आवर डाइट. जो खाने हम खाते हैं वो हमारी खुराक बन जाते हैं. टू स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए, वी नीड टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट्स. हमने सिर्फ अच्छी अच्छी खाने नहीं खाने, हमने उनकी मकदार भी मुनासिब रखनी है, ठीक है. राइट अमाउंट, सही मकदारें खानी है. दिस इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. इसको कहते हैं मुतवाजन ग़ज़ा. द डायग्राम बिलो शोज़ हाउ मच वी शुड ईट फ्रॉम ईच फूड ग्रुप फॉर आवर डाइट टू बी बैलेंस्ड. ये डायग्राम हमें बता रहा है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
ब्रेड्स और मीट वगैरह में से कितना कितना खाना है। अगर आपकी प्लेट इतनी है तो उसका ज़्यादातर हिस्सा आपकी सब्ज़ी का हो, और ये दूसरे नंबर पे ब्रेड हो, तीसरे नंबर पे ये हो, चौथे नंबर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, साथ में एक छोटी सी प्लेट में ये चीज़ें भी हों, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट। योगर्ट कहते हैं दही को, चीज़ कहते हैं जनाब पनीर को, और मिल्क दूध को। फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स ब्रेड राइस पोटैटोज पास्ता मीट बीन्स एंड एग्स। पास्ता में क्या क्या है जी, मैकरोनीज हैं, स्पैगेटीज हैं, ठीक है। बेकरी में जाएं आज पता करें। वी शुड हैव हाफ अ प्लेट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर एवरी मील। काफ़ी सारा तो हमारे, ये देखें, आधा तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ये हमें विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, प्लस हमें फाइबर देते हैं, हमें कब्ज़ नहीं होता, ठीक है जी। बड़ा पेशाब हमारा आसानी से निकल जाता है। फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट आवर बॉडी नीड्स सम फ्रूट्स मोर देन अदर्स, ठीक है जी। वी नीड प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वी शुड नॉट ईट टू मच फैटी एंड शुगरी फूड्स। ज़्यादा चिकनाई वाले, घी वाले और चीनी वाले खाने नहीं खाने चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियाँ ज़्यादा खानी चाहिए। इफ़ यू ईट टू मच फैटी और शुगरी फूड्स वी कैन बिकम ओवर वेट एंड अनहेल्दी। बहुत ज़्यादा चीनी वाले और चिकनाई वाले खाने खाएंगे तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा और हमारी सेहत बिगड़ जाएगी। वट आर सम हेल्दी फूड चॉइसेस, तो सेहतमंद खाने कौन से हैं। दीज फूड्स आर गुड फॉर योर हेल्थ, ये सारे खाने आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं। स्टीम्ड फिश, स्टीम्ड फिश कौन सा है जी, जो भाप पर पकाया जाए। भाप, स्टीम कहते हैं भाप को, पानी जब उबाल लो तो उससे जो धुआं निकलता है उसको भाप कहते हैं। ज़ाहिर है वो धुआं गर्म होता है, उस भाप पर आप इसको पका सकते हो। सेलरी, बेक्ड चिकन, बेक्ड चिकन भी इसी तरह का है, अवन में इसको पकाते हैं। पपाया एक फ्रूट है, बनाना, नट्स, नट्स में क्या होता है जी, बादाम है, कैश्यूज हैं, ठीक है जी, पिस्ता, बादाम और अखरोट, इन सब को क्या कहते हैं, नट्स। इंग्लिश में पिस्टैशियो कहते हैं पिस्ते को, बादाम को आलमंड कहते हैं, ठीक है जी, बादाम को आलमंड कहते हैं, हाँ, और अखरोट को वॉलनट कहते हैं मेरा ख्याल, ठीक है जी। ये होल मील ब्रेड है, ठीक है, हम जो ब्रेड खाते हैं वो तो वाइट किस्म का होता है, ये ब्राउनिश है। होल मील का मतलब ये है कि जब आप गंदम की पिसाई करें तो उसका जो ऊपर वाला छिलका है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है वो नहीं हटाना, ठीक है। वैसे तो मिलों में आटे की जो मिल होते हैं उससे जो आटा निकलता है उसमें से वो जो छिलका होता है गंदम के ऊपर का वो हटा देते हैं, ठीक है। तो वो होल मील ब्रेड नहीं रहता, होल मील ब्राउन होता है, ठीक है। दीज आर नॉट, ये हेल्दी नहीं है, जैसे फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, जितने भी फ्राइड खाने होते हैं ना घी में तले हुए, वो हेल्दी नहीं होते। बारबेक्यूड चिकन, आग पर डायरेक्ट पके हुए खाने भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि स्मोक के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बड़ा ख़तरनाक है। कैंडीज़ में केमिकल्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, इसमें जेलेटिन होती है और बड़ी गंदी गंदी चीज़ें होती हैं, ये तो बहुत ख़तरनाक है सेहत के लिए। डोनट्स भी बहुत गंदी चीज़ होती है, इसमें सोडे होते हैं, बेकिंग सोडा होता है, इसके अंदर जनाब बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, ये भी नहीं खाने चाहिए। पोटैटो चिप्स भी बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है। इन सब के अंदर कार्सिनोजेनिक चीज़ें होती हैं। कार्सिनोजेनिक चीज़ें कौन सी होती हैं, जिनसे कैंसर होता है, ठीक है। दूसरा, ये अल्सर भी कॉज करती हैं। अल्सर कहते हैं ज़ख़म, मैदे का, स्टमक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, मैदे का अल्सर, अंतड़ियों का अल्सर, ये इनसे कॉज होता है। दीज ड्रिंक्स आर गुड फॉर योर हेल्थ। फ्रेश फ्रूट जूस, मिल्क, वाटर, ये तीनों तो अच्छी हैं, लेकिन ये अच्छी नहीं है जनाब, सॉफ्ट ड्रिंक, सीरप ड्रिंक, मिल्क शेक,
ये अच्छी नहीं है, इनसे बच के रहें, पेप्सी, सेवन अप, रूह अफ़ज़ा, ठीक है, इनसे बच के रहें। अमेजिंग फैक्ट्स, 3 teaspoons ऑफ शुगर अ डे इज़ इनफ फॉर अ चाइल्ड, 3 छोटे चम्मच चीनी के एक बच्चे के लिए एक दिन में काफ़ी होते हैं। अ कैन ऑफ फिजी ड्रिंक, कोका कोला का एक कैन, 10 चम्मच चीनी उसमें होती है, दैट्स अ लॉट ऑफ शुगर इन जस्ट वन ड्रिंक, ये बहुत ज़्यादा चीनी है, ठीक है। सेवन अप वगैरह पीते हैं, ख्याल रखें आप अपनी सेहत को तबाह कर रहे हैं। द सेम काइंड्स ऑफ फूड, सम वेज ऑफ प्रिपेयरिंग देम मे बी हेल्थियर देन अदर्स। आपने पिछले पेज पे देखा कि चिकन को आप बेक करोगे तो सेहतमंद है, आप बारबेक्यू करोगे तो अच्छा नहीं है, आलू को आप बॉयल करोगे तो अच्छा है, फ्राई करोगे तो अच्छा नहीं है, ठीक है जी। तो एक जैसे इसी तरह फिश को लोग फ्राई करते हैं, उसको स्टीम करें, ठीक है। हम तो जनाब पाकिस्तानी तो खाने का जब तक हलवा ना बना लें तब तक छोड़ते नहीं हैं, फ्राई कर करके जब तक वो काला ना हो जाए, बिल्कुल कार्बन ना बन जाए, तब तक तो वो नहीं खाते। वो तो कहते जी हमारे घर में तो जनाब घी निकालो, इसका घी निकालो, पानी ख़त्म करो, इसका पानी ख़त्म करो। ये बड़ी गलत बात है, उबले हुए खाने सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं और स्टीम फूड्स हेल्दी होते हैं, ये फ्राइड फूड्स हेल्दी नहीं होते, बारबेक्यूड फूड्स हेल्दी नहीं होते, ठीक है जी। फिजी ड्रिंक से बच के रहें, बेकरी की चीज़ों से बच के रहें। फॉर द सेम काइंड्स ऑफ फूड, सम वेज ऑफ प्रिपेयरिंग देम मे बी हेल्दियर देन अदर्स। फॉर एग्जांपल, अ बेक्ड पोटैटो इज़ अ हेल्दियर चॉइस कंपेयर टू फ्रेंच फ्राइज। पोटैटो को बेक करो, उसको फ्राई मत करो, ठीक है जी। अ बनाना इज़ अ हेल्दी चॉइस फॉर अ स्नैक, इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। Eating a banana before running can give you an energy boost, ठीक है जी। तो तवानाई का बूस्ट आपको मिलेगा जब आप बनाना खाओगे दौड़ने से पहले, ठीक है जी। हाँ, और ये हेल्दी चॉइस है स्नैक के लिए, नहीं स्कूल में ब्रेक हो गई तो पापड़ मापड़ खाने से अच्छा है जी आप एक दो केले खा लो, एक सेब खा लो, ये ज़बरदस्त स्नैक्स हैं। Steamed fish is a healthier choice compared to deep fried fish. Deep fried, घी में बहुत ज़्यादा तुली हुई मछली से अच्छा है कि आप उसको स्टीम भाप के ज़रिए पकाओ। ये क्यों हेल्दी नहीं है? Why is this not as healthy? ये क्यों हेल्दी नहीं है? क्योंकि फ्राई करके इसके जो प्रोटीन्स हैं बहुत सारे वो ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारे इसके अंदर जो विटामिन्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर चिकनाई आ जाती, बहुत सारे गंदे फैट्स इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है जी। तो इसके जितने भी प्रोटीन फाइबर है वो सारा तबाह हो जाता है और कुछ और ही बन जाता है, ठीक है जी। ईट फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स, चूज़ योर फूड्स वाइजली, ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 glasses ऑफ वाटर डेली, दिस वे वी कैन स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, ठीक है जी। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, घर में इसकी रीडिंग करें और कीवर्ड्स लिखें अपनी कॉपी में। चलो जी, एक चीज़ रह गई, पॉप्सिकल्स, इनको पॉप्सिकल्स कहते हैं, आइसक्रीम, वो वाला आइसक्रीम जो ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ है, ठीक है। एक तो क्रीम होता है, ये आइसक्रीम नहीं होता बल्कि बर्फ़ ही होता है, जैसे शरबत को आप फ्रीज कर दो, उसमें एक डंडी डाल दो और उसको फिर चूसते रहो, हैं, चाटते रहो, इनको पॉप्सिकल्स कहते हैं। द एक्सीडेंटल डेजर्ट, डेजर्ट कहते हैं खाने के बाद जो मीठा खाया जाता है, एक्सीडेंटल, इत्तेफाकन ये बना, ठीक है जी, किसी का प्रोग्राम नहीं था इसको बनाने का। डिड यू नो दैट द पॉप्सिकल और आइस लॉलीपॉप वॉज इन्वेंटेड बाई अ यंग बॉय, इन्वेंटेड, दरियाफ्त हुआ, ईजाद हुआ, इन्वेंट, ईजाद हुआ, इन 1905 in America, 11-year-old Frank Epperson mixed soda powder and water to make a drink. Soda powder aur pani isne mix kiya apne liye sharbat banane ke liye. He forgot about the drink and left it on the back porch overnight. Aur wahan bahut sardi thi, ye apni drink
बैक पोर्च में घर के पीछे जो जगह थी, ठीक है, खुली जगह, उसमें रात को भूल गया. विद द स्टीरिंग स्टिक स्टिल इन द कप, और जिस स्टिक से उसको हिला रहा था, मिक्स कर रहा था सोडे और पानी को, वो भी बीच में रह गया. इट वॉज़ वेरी कोल्ड दैट नाइट, उस रात बहुत ठंड थी. द नेक्स्ट डे द ड्रिंक हैड बिकम अ स्टिक ऑफ फ्रोजन सोडा वाटर. अगले दिन जब उसने ड्रिंक देखा तो स्टिक भी उसके अंदर था और वो फ्रीज हो चुका था, यानी बर्फ बन चुका था, जम चुका था. मैनी ईयर्स लेटर फ्रैंक बिगैन टू सेल द फ्रोजन डेजर्ट. डेजर्ट, द फ्रोजन डेजर्ट, इसको डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है, डेजर्ट नहीं कहना, डेजर्ट, विच ही कॉल्ड द एप्सिकल आइस पॉप. हिज चिल्ड्रन रीनेम्ड इट द पॉप्सिकल. ठीक है, फिर इसको वो पॉप्सिकल का नाम उसने दिया. Popsicles made with fresh fruit juice are delicious and healthy snacks. Try making them yourself.